नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं रिलायंस पावर लिमिटेड की। 8% के आसपास की रैली आज के दिन आई है, लगभग 9% की, 10% के आसपास आपका बढ़ा था। वॉल्यूम में भी काफी तेजी है। क्वार्टरली नंबर्स आने के बाद अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में लगातार तेजी का माहौल देखने को मिल रहा है। स्टॉक ने अपना जो प्रीवियस हाई था वो अटेन कर लिया है। यहाँ पे 6 महीने में लगभग पैसा डबल आपका यहाँ पर हो चुका है। बात करेंगे इस वीडियो में कि नए टारगेट्स क्या हो सकते हैं, एनालिस्ट की राय क्या है यहाँ पे, क्या आपको यहाँ पे बाय करना है, सेल करना है, या फिर अगर आपने बाय किया हुआ है तो होल्ड करके चलें, क्या करना है, क्या डिसीजन होना चाहिए। साथ में चर्चा करेंगे चार्ट पैटर्न की भी, चार्ट क्या कहता है आपका। बात करते स्टार्ट करते इस वीडियो को, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वार्टरली नंबर पर नजर डालें तो क्वार्टर टू के नंबर्स आए और काफी ठीक थे। उम्मीद के हिसाब से ही नंबर्स आपके रहे हैं यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं 35% के आसपास का आपका ऑपरेटिंग मार्जिन हो चुका है। वहीं पर प्रॉफिट की अगर आप बात करें तो प्रॉफिट तो नहीं हुआ है, बट हाँ लॉस काफी कम हो चुका है यहाँ पे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी अगर आप देखेंगे, नेट भी अगर आप देखें, नेट में भी काफी कमी आपको आती हुई देखने को मिलती है। तो ओवरऑल अगर लॉस भी नैरो होता है तो उसका भी काफी असर आपको देखने को मिलता है कि लॉस आपका यहाँ पर कम हो रहा है धीरे धीरे करके। तो लॉस जिस तरह से कम होगा उसी हिसाब से आपका आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा कि बाजार में इस स्टॉक की जो वैल्यूएशन है, कंपनी की जो वैल्यूएशन है, वो धीरे धीरे करके बढ़ती हुई आपको देखने को मिल जाएगी। तो अगर फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी अभी भी लॉस में ही है। साथ में ये जानना जरूरी है, ये पता करना जरूरी है कि लॉस यहाँ पर जो है वो लगातार कम हो रहा है, तो ये एक पॉजिटिव चीज आपके लिए हो सकती है। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने आपको, जिन लोगों ने भी 6 महीने पहले यहाँ पर निवेश किया था, 88% के आसपास का, ऑलमोस्ट 100% के आसपास का पैसा उनका बना है। बट वहीं पर अगर आप 1 साल देखेंगे तो 1 साल का जो रिटर्न है वो उतना अच्छा नहीं है। लगातार स्टॉक जो है आपको 14 से लेकर के 21 के रेंज में ही आपका लाई करता है। 14 तक जाता है, गिरावट होती है तो 21 तक जाता है, ऊपर जाता है तो 22 रुपए तक इस बार गया है। अगर ये 24 का मार्कअप ब्रेक करता है तो 29 तक के टारगेट भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जो एनालिस्ट की राय पहले भी रही है। मेरी क्या राय है हम उस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए चार्ट पैटर्न अभी तक तो मैंने आपको नहीं दिखाया है। खबरों की जहां तक बात करें, क्वार्टरली नंबर अच्छे हैं और यहाँ पर रिटर्न की बात की जाए तो रिटर्न भी अब तक ठीक आए हैं। आज का वॉल्यूम भी अगर आप देखेंगे तो मैं वॉल्यूम में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे लगभग 200-300 मिलियन शेयर्स के आसपास आज यहाँ पे खरीदारी हुई है। और डिलीवरी पैटर्न भी अगर आप देखें तो डिलीवरी ऑलमोस्ट आपका 50% के आसपास की डिलीवरी, यानी कि खरीदारी जो हो रही है लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही खरीदारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। सबसे पहले बात करें चार्ट की, चार्ट आपका अभी भी वही जैसा मैंने बोला, लोअर एंड पे गिरता है अगर तो 14-15 रुपए तक यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल भी बनता है आपका। और अगर अपर एंड पर जाता है तो वही 21-22 रुपए तक जा करके एक बार यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी अगर आप देखें और प्रीवियस चार्ट भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आकर के स्टक होता है और गिरावट यहाँ पर देखने को मिलती है। अच्छी चीज कहाँ पर है, अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे इस समय पे अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ अगर ये ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट, बहुत बड़ा ब्रेकआउट की उम्मीद मैं यहाँ पे नहीं करूंगा, बट थोड़ा कंसोलिडेट अगर यहाँ पे करता है और फिर ब्रेकआउट देगा तो हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होगा और तब आपको 29 रुपए तक के टारगेट आपको यहाँ पे आसानी से देखने को मिल जाएंगे। चार्ट पैटर्न स्ट्रांग है, खरीदारी यहाँ पे जो लोग कर रहे हैं उनको थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि स्टॉक ने काफी लंबा रन अप ले लिया है। और निचले लेवल से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से बड़ा अच्छा 3 हफ्तों में अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे 17 रुपीज से बढ़ करके स्टॉक आपका 22 पहुंचा है। तो अगर ब्रेकआउट होता भी है तो बहुत बड़े ब्रेकआउट की उम्मीद यहाँ पे नहीं करूंगा और प्रॉफिट बुकिंग इस लेवल पे कम से कम आपको देखने को मिल जाएगी। थोड़ा सा सतर्क होकर के खरीदारी करें अगर आप खरीदारी करने उतर रहे हैं तो। बाकी यहाँ पर अगर आप चार्ट पैटर्न देखेंगे, मैग्डी आपका स्ट्रॉन्ग है, आरएसआई भी आपको काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। चार्ट पैटर्न के हिसाब से अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म इसमें थोड़ा सा स्ट्रेंथ देखने को मिली है। इस समय पर अगर आप स्टॉक में खरीदारी करने उतर रहे हैं तो इन पॉइंट्स को जरूर ध्यान में रखें। अभी आप बात करें खबरों की, खबरों में अगर आप देखेंगे रिलायंस पावर शेयर 69% ऊपर चढ़े हैं 6 महीनों में। एनालिस्ट की बात करें माने यहाँ पे तो कहीं ना कहीं एनालिस्ट दो भागों में बटे हुए हैं। एक तो वो है जिनका मानना है कि स्टॉक काफी बढ़ चुका है और आपको यहाँ पर सेल करना चाहिए, और दूसरे वो है जिनका मानना है कि नहीं अभी और भी यहाँ पर पोजीशन है, यहाँ पे अभी भी यहाँ पे पॉजिटिविटी है और वो आपको बाय करने के लिए बोल रहे हैं। मेरी राय है कि अगर आपने बाय कर रखा है, होल्ड करके चलते हो आप यहाँ पे, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हैवी वॉल्यूम में ना जाए, स्टॉक रिस्की है आपके लिए। और दूसरी बात ये करें तो स्टॉक में लगातार 1 साल का मोमेंटम वही रहा है। चार्ट पैटर्न भी आपको मैंने दिखाया, चार्ट पैटर्न में भी अगर आप देखेंगे कोई खास बढ़ोतरी नहीं है। अगर ये लेवल ब्रेकआउट करता है किसी तरह से 25 रुपए का हैवी वॉल्यूम के बाद, तब तो मैं आपको बोलूंगा कि हाँ यहाँ पे खरीदारी करने के बारे में सोचा जा सकता है। पर अभी मेरी राय आपको यहाँ पर नहीं रहेगी कि यहाँ पे खरीदारी करने के बारे में सोचा जाए। बाकी एज ऑलवेज लास्ट कॉल ऑलवेज बी योर्स, यहाँ की स्ट्रेटजी स्टॉक को लेकर प्लीज कॉमेंट करके शेयर करना। वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चाहे नहीं हो सब्सक्राइब किए ना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज कॉमेंट अगर पूछना हो तो। थैंक यू।